पर कुछ कांड कैसे नहीं हुआ है। और ये देखो सो फाइनली हमारी ट्रिप शुरू होती है, 3:50 हो रही है और अब हम निकले हैं दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, वो भी ओला कैब करके। जब और कुछ नहीं हुआ तो एंड में हमने ओला कैब करने की सोची, उबर कैब उबर सिटी होती है इंटर सिटी। तो बीच में तो इसका कैंसिल भी हो रहा था, ये भैया छोड़ के जा रहे हैं इसका, बट अब फाइनली सब साथ में जा रहे हैं। एक रह गया बस, वो थोड़ा भारी है तो वो ऊपर ही है, वो नीचे नहीं आ पाया। हम पहले उसको मिलते हैं ऊपर, फिर चलते हैं कहीं घूमने। CNG करवाने रुके हैं अभी, चंडीगढ़ तक तो CNG चल जाती है, चंडीगढ़ के बाद भी चलती CNG, तो वहाँ से दूसरी करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से बस में भी जा सकते हैं डीजल वाली कैब में भी, रेंट वाली तो नहीं लेने वाले अभी, ये तो शोर है। ये रोड पे कौन सी मछली तैरती है? What? Bro, what are you talking about, man? नहीं लग रही इतनी, अब तो सुबह आ गई तो कल खा गई, ठंड भी कम हो गई, रात में गोरा वोरा तो था और चाय पीने के लिए रुके हैं अभी, पीछे बैठे हुए और चाय पी रहे हैं। दो हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, दो चाय ऑर्डर करी और बिस्कुट खाएंगे, फिर सीधा आप चंडीगढ़ जाके रुकेंगे। खतरनाक एक्सीडेंट होते हुए आपके अभी हुआ हुआ एक दो घंटे पहले, ये शायद हाँ दो ट्रक आपस में लगे हैं, ये आगे वाला धीरे चल रहा होगा, ये डिवाइडर पे लगा, ड्राइवर सही हुआ पता ही नहीं अब क्या कहे। हाँ बैलेंस नहीं बनता ना फिर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पर कुछ कांड कैसे नहीं हुआ है। और ये देखो हमारी ट्रिप कभी हो ही नहीं पाती, परसों बेबी से जाना था और आज ही ठुक गई, गलती तो देखी जाएगी, ऐसे किसी को चोट नहीं लगी है किसी भी साइड से, और उस वो तो टेम्पू टाइप था तो उसमें तो मुझे लग रहा है कुछ हुआ भी नहीं होगा, वो लोहे की बॉडी होती है उसकी, देखी थी मैंने, मतलब ऐसे कुछ हुआ तो नहीं था। मेरी गाड़ी की क्वार्टर पैनल तो पूरा टूट गया था, ये बोनट भी शायद बाहर ना आ गया हो, पता नहीं यार अजीब से ही हो गया है, कहीं गेट भी नहीं खुला, कल शीशा भी टूट गया है, देखते हैं भाई अब क्या होता है इसमें, क्या क्या खराब हुआ है क्या नहीं हुआ भाई, गोड्स ग्रेस बाकी सब ठीक है, कार में रेस वेस हो गई सब हो गया, कल नॉर्मल चल रहा था। मैं हाईवे पे कार रुकी हुई थी, मतलब एक लेन उस कार ने
कवर किया हुआ था जो दिखानी, और दो तीन स्लो गाड़ियाँ एकदम से लाइन में आ गई, जो बीच मिडल वाली स्लो कार थी इसमें लगी है वो ओवरटेक करने आई नेक्स्ट स्लो कार को, और वो भी स्लो कार थी, तो तीनों एकदम से बीच में आ गए। मैं उन दोनों के बीच में से निकल ब्रेक मारने के बाद मैंने निकलने की कोशिश करी, बट जगह नहीं बची है अंत तक। इट्स 10:50 एंड जो ओनर है गाड़ी के वो खुद आए अभी चाबी ले गए। अब उन्होंने निकाल रहे हैं, हमारे ऐप से अनलॉक नहीं हो रही थी, 10:50 हो रहा है और ट्रिप हमारी स्टार्ट हो गई जूम कार से पहले ही। बताओ क्या करें, ये दो घंटे वैशाली पे खड़े थे ना, वैशाली पे कोई चीज़ नहीं मिली आने के लिए। बिल्कुल जी, भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी 3 घंटे से भैया। हाँ, ये अभी घिस दीदी क्या इसने उतारते टाइम ही। भाई सुनो, हाँ जी, तुम मेरे को 3-4 हज़ार रुपये एडवांस में दे देना जब तुम गाड़ी छोड़ना होगे ना, जब मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। भैया आपको नहीं दे सकते, हम तो ऐप के हिसाब से करेंगे ना भैया। फिर ऐप के हिसाब से तुम स्टार्ट करोगे, मैं भी जब ही दे दूंगा, तुम कैंसिल कर दो सर। तो वो आप बोल रहे हो, आप देख लो, अब आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है, बट हम ऐसे अलग से नहीं दे सकते ना भैया। फिर भाई कैंसिल कर दो, तुम ना दे सकते तो मैं क्यों दूंगा इस गाड़ी। तो भैया हमने तो जो करा ना, हमने क्या गलत कर रहे हैं इसमें, हम बताओ आप। 8-10 लाख की तुम गाड़ी, उसमें हमने उसमें दिया हुआ ना एडवांस, हमारा तो वहाँ पे भी गया हुआ है। कोई बात नहीं, तो ओनर अब दोबारा से अंदर ले जा रहे हैं गाड़ी। इन्होंने गाड़ी देने से मना कर दी, पहले इन्होंने चाबी भी नहीं छोड़ी थी गाड़ी, इसलिए अनलॉक नहीं हो रही थी। पैसे मांग रहे थे एक्स्ट्रा हमसे पहले कि आप पैसे दे दो जब देंगे हम गाड़ी, जो कि हमें जूम कार्ड ने मना करी है पैसे देने से। देख लो सब खड़े हुए, सामान तो नहीं रखोगे किसमें, और हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। अब बताओ जूम कार को उम्रट 10:54 भैया आप गाड़ी क्यों नहीं दे रहे हमें, गाड़ी क्यों नहीं दे रहे हमें, कौन आप ना दे रहे, मैं कैंसिल कर दो, कुछ ऑप्शन ही ना आ रहा इसमें। तो आप नहीं दे रहे ना, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने अपने उसके लिए पूछ रहा हूँ कि आपने मना कर दिया ना देने से, कैसे आपने देने से मना कर दी ना गाड़ी। हाँ मना कर दी। ठीक है भैया, भैया पैसे तो हम दे नहीं सकते अलग से, आपकी मर्जी है बाकी, हट जा भाई। हाँ भाई चंडीगढ़, इसे देखो 4th फ्लोर पर रहता, वहीं बैठा हुआ जब से, नीचे खड़े हुए, नीचे नहीं आया, इसके रूम पर रेस्ट करेंगे जाके, फिर प्लान बनाएंगे आगे का क्या करना है। सो कल 9:30 हम अपने कैब की लोकेशन पे पहुंचे थे जहाँ पे हमने कार रेंट करी थी जूम कार से, एंड वहाँ पे जाने के बाद वो कार नहीं खुलती है, इसमें कुछ ऐसा सीन था कि आप फोन से अनलॉक करो कार और चाबी अंदर होगी और आप लेके चले जाओ, किसी से आपको कॉन्टेक्ट नहीं करना, बट वहाँ पे गाड़ी नहीं खुलती, हमने मल्टीपल ट्राइज करे। फिर 2 घंटे के बाद वहाँ पे ओनर आता है जूम कार जिसकी कार थी वो जूम कार के थ्रू ओनर आता है, वो चाबी अपने पास लेके आता है और कहता है वो खोल के देता है, और देने के जब नीचे बाहर ले आता है ना, लाइक वो अपने एरिया में से नीचे लाने के बाद हमको कहता है कि 3-4 हज़ार रुपये आप मेरे को एडवांस दे दो कि मेरी कार सेफ रहेगी और ठीक रही तो मैं आगे तुम्हें वापस दे दूंगा, और जूम कार में हम ऑलरेडी पे कर चुके थे और इसको तो देने का मतलब बनता ही नहीं है, ऐसे क्यों दें हम भाई। और एंड ही वाज लाइक टोटली हमको लाइक खतरनाक सा बंदा लग रहा था जो ऐसे स्कैम करता है और बाद में लाइक और कुछ भी कर ले, जब पहले अगर हम उसको मांगते 4-5 हज़ार दे दे, वो बाद में कहे 10 हज़ार और दे दो आप मेरे को, 20 दे दो, तो अब फिर क्या होता हमें पता नहीं था, हमने वो छोड़ दिया। जूम कार में ट्रिप स्टार्ट हो गई मेरी 2nd बार में अपने आप से, कोई मैं फोटो वोटो अपलोड नहीं करी थी उस टाइम पे जो मांगते हैं स्टार्ट करने से पहले, अपना आप स्टार्ट हो गई जब ओनर आया, एंड फिर मैंने 1 घंटे बाद कैंसिल करी, अभी कोई बिल नहीं मिला मेरे को, 5 दिन की बुकिंग थी, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। लाइक दिस इज माय वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस सर्विस एंड लाइक
दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव लाइक इन माय एंटायर लाइफ. सो इंग्लिश में क्यों बोल रहा है वो थोड़ी ट्रांसलेट लगाना पड़ रहा है, ट्रांसलेट लगाना पड़ रहा है मेरे को. भाई मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज एन लाइक हमारे लिए भी सबक था एंड आप सब लोगों के लिए भी सबक है. डोंट एवर यूज दीज काइंड ऑफ सर्विसेज बिकॉज यू नेवर नो कि कौन बंदा, बिकॉज कई सारे जेन्युइन लोग. और मेन बात ये है कि हम कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं जैसे इशू आना स्टार्ट हुआ और अभी तक कस्टमर केयर में कॉल किसी ने नहीं उठाई है. एंड बुक करने से पहले उठा ली थी, अब आई डोंट नो इंटेंशनली तो नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कंपनी है, पब्लिक होने वाली है इस साल में रिसेंटली आई गेस. तो बट उसके बाद से एक भी कॉल किसी ने पिकअप नहीं करी है. लिटरली कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं जूम करके, कोई पिकअप नहीं है. लाइक कोई बात करने के लिए एक बार मिला भी नहीं ऐसे कि बात ही हो जाए किसी बंदे से उनकी साइड से. बुक करते टाइम उनकी साइड से कॉल आता है भाई, बुक करते टाइम उनकी साइड से कॉल आता है कि सर ऐसा आपको डिस्काउंट है ना का. भाई हाँ भाई डिस्काउंट दे ले तू, बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, गाड़ी नहीं दे रहे. सॉरी बहुत ज़्यादा बीटी हो गई थी. उसके बाद फिर हमने प्लान लैन करके कुछ सोचा वोचा, बहुत कुछ सोचा हमने. उसके बाद हमने एंड में ओला कैब करी, जो ओला की लाइक इंटरसिटी कैब्स टाइप ऑफ होती हैं जो पास पास की सिटीज ले जाती हैं आपको, वो करी हमने 3:30 बजे. 3 बजे एजेंट कह रहा है कि उबर करी है, मान लो एक ही बात है वैन जो उबर हो ओला हो क्या फ़र्क पड़ता है. तो 3:30 बजे वो कैब करी, सुबह हम यहाँ पे पहुँच गए 8 बजे, 8:30 बजे तक. भैया बड़े अच्छे थे, बात करते हुए पूरे टाइम पे मज़ा लिया हमने. अभी यहाँ से दोबारा देखते हैं, मैंने देखा मत कर बिखर जाएगा भाई. क्या ना करने डाल ले सर. आपकी ट्रे तो बड़ी अच्छी लग रही है हमें, कैसी है ये आई? सर आपने ट्रे कहाँ से ली? प्लीज वेलकम. क्या होगा लाइट गई क्या? इसमें ऑर्डर भी हो जाता है जो खाना हो. ये लाइट तो नहीं गई, ये दबे सर. मैंने बंद कर दिया ये जादू कर मेरा जादू कर. जादू कॉफी से बाहर आने. आज हम देखेंगे कैसे ओपन करा जाए चाय का पैकेट. ये हमारे फ्रेंड गरम गरम पैकेट को खोल रहे हैं. चाय बनाइए 5 सेकंड्स में. मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा, 3 ऑप्शन. क्या ये पैकेट खुलेगा? दांत से जाओ, दांत से भाई. अरे दांत से नीचे छेद करते फिर ऐसे गाय के थन की तरह ना. मैं गलत कमेंट मत कीजिए यार. अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार. थ्री डायमेंशन इनका अलग स्ट्रगल है रिमोट के साथ. ये कॉफी है, कॉफी है. यू वर राइट. देखो येलो वाला अच्छा है. एक्सपीरियंस प्रो व्लॉग बना रहे हो. क्या हम वो लोग बना पा रहे हैं? अरे भाई क्या हम वी लोग बना पा रहे हैं? जनता जानना चाहती है क्या हम वी लोग बना पा रहे हैं? ये तो जनता ही बता पाएगी. और आपको ये बताने के लिए क्या करना होगा, नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. क्या नाम है चैनल का? पता नहीं कुछ तो है, कुछ उड़ता कुछ उड़ता उड़ता सा है, कुछ है. स्काई बॉय क्या है? रुको मेरा फोन कहाँ है? क्वेश्चन मार्क क्यों था लास्ट में? 2 मिनट में बता रहा हूँ. तो अब देखना है कि क्या ये आईफोन यूज करके 2 मिनट में नाम बता पाएंगे. आई अंडरस्कोर स्काई बॉय. अंडर किसके? स्कोर के. कैसे नाप रहा भाई? मैं 2 बंदे ज्यादा ले लेते कोई दिक्कत नहीं. डाल रहा हूँ.
क्यों डाल रहा है पैकेट छोटी बना रहे भाई तू भाई ये वाला था ये वाला सफाई कपड़ा तो हाय क्या भाई तुम्हारे को धन्यवाद भाई ये तेरे वेजिटेबल टोस्ट चेयर्स भाई टिश्यू कार्ड भाई। अगर साफ नहीं होता तो क्या होता है जी टिश्यू चिपके में फिर टिश्यू कम होते योर राइट वाली क्या ये क्या था ये BS6 साइलेंसर जो गाड़ियों में लगा रही है ना गवर्नमेंट उसकी वजह से ऐसी आवाज हो जाती है बीच में छेद आ गया उसमें ऐसे कह रहा था साल में दो ब्रांड की केचप की दी है भाई वो चीज वालों की है ये बिना चीज वाली है सिटी से चाय आई है मतलब क्या कर गया इनमें एक चीज वाली होती है एक बिना चीज वाली केचप में किस चीज डाल रहे हैं नहीं चीज के ऊपर जो केचप डाल रहे हैं वो तो दूसरी क्या डाल रहे हैं बिना चीज के जहाँ बिना चीज है बीच में बैठा ना ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा नहीं पता होना चाहिए ना ऑर्डर करा तुमने चीज वाला का मंगाया नहीं हाँ चीज वाला का मंगाया क्या पता उन्होंने गिफ्ट दिया फिर चार है ना देख दो किसी में सरप्राइज तो नहीं है अंदर से चीज निकल रही है हरी चटनी भी अब हम देखेंगे हम सैंडविच को कैसे खाया जाता कैसे ओपन करें अगर आपने स्विगी से मंगाया तो देख आजा आजा ये साइड एक्टर ज्यादा फुटे लेने कोशिश ना करें लीड एक्टर को परफॉर्म करने दो एजेंट को कोई बीच में नहीं रोके क्या आपकी उंगलियां कांप रही है क्या आप कैसे का पैकेट नहीं खोल पा रहे हैं क्या आप डिजाइन बनाएंगे या ऐसे कुछ भी कर देंगे अरे जान के किया क्योंकि मैं हरी चटनी में डाल दूंगा हरी चटनी कहाँ है ये रही ना अच्छा हमारे फ्रेंड थोड़े चटका रहे हैं पेंचे का आपकी आंखें डगमगा रही हैं पेंचे को दांत से खोल लेना भूल रहे हैं तो इजी कट जाएगा खिंच जाती ज्यादा मत काटिए इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।